मॉडल्स जाता है मॉडलिंग के लिए, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास जगह नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो मैंने कहा इट्स ओके। इकरा को चलना भी नहीं था, बोलना भी नहीं था, मैंने बड़ी मेहनत की इकरा पे। कि ऑन द रिकॉर्ड आप कह रहे हैं कि जिद्दी राणा को आपने प्रमोट किया। जी बिल्कुल, भी है जिद्दी राणा जो कि अब फिल्म स्टार बन चुके हैं। क्रेडिट देंगे अपनी कामयाबी का। फैमिली मुझे लाइक नहीं थी करती, ना शोबिज को करती है, तो वो अभी तक भी मुझे कहती थी छोड़ दो छोड़ दो। जब एक नाम बन गया, जब उनको पता चल गया, वो अब कुछ भी नहीं कहते, अब सपोर्ट करते हैं मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान खुशबू। नाज़रीन, आज हम आपके साथ मलिक वकास की सक्सेसफुल स्टोरी शेयर करने लगे हैं, जिनको मॉडलिंग के लिए रिजेक्ट कर दिया गया और उन्हें तहिया किया कि अब वो खुद से मॉडलिंग शोज़ करवाएंगे, नए लड़के और लड़कियों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो उनकी जर्नी कैसी रही और ये आइडिया उनके दिमाग में कब से आया, आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। विकी कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह, आप सुनाओ? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा विकी, मुझे ये बताएं कि आपकी फैमिली, आपके फादर ब्रदर्स सारे जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आप फैशन शो की फील्ड में आए, तो ये आइडिया आपके दिमाग में कब से आया? मुझे शुरू से ही शौक था मॉडलिंग का, तो जाहिर पता हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है, तो मुझे शौक था मॉडलिंग का, तो मैं मॉडलिंग में वाली साइड पे चले गया। तो मैंने एक दो शो अटेंड किए, जिसके बाद मैं एक फैशन शो पे गया, एक फैशन शो हो रहा था फ्लैटी में, तो उधर मैं गया, उन्होंने मुझे कहा कि आप मॉडलिंग नहीं कर सकते, तो मैं बहुत साइड हुआ और मैं घर आ गया। उसके बाद मैंने फिर रात को सोचा, मुझे नींद नहीं थी आ रही, ज़ाहरी बात दुख होता है, तो मैंने फिर सोचा कि यार मैं खुद क्यों नहीं ऑर्गेनाइज बनता। फिर मैंने एक फैशन शो किया, जिस फैशन शो रखा और मैंने फैशन शो करवाया, जिसमें मैंने सोचा कि मैंने न्यू फेस मॉडल को प्रमोट करना है, क्योंकि मेरे जैसे कितने लोग होंगे जिनको मॉडलिंग का चांस नहीं मिलता, तो मैं उनको आगे लेके जाऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि न्यू फेस मॉडल को प्रमोट करना, और मेरा 18वां सीज़न हो चुका है अब तक, तो मैंने न्यू फेस मॉडल को ही प्रमोट किया है। 18 सीज़न ये फैशन शो के कर चुके हैं और तमाम नई लड़के लड़कियों को आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, वैसे क्या कह के रिजेक्ट किया था उन्होंने? जैसे कि एक मॉडल जाता है मॉडलिंग के लिए, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास जगह नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो मैंने कहा इट्स ओके। तो मैं बात, अच्छा फिर उसके बाद आपने अपने 18 सीरीज जो है वो शुरू की और बहुत से नए लड़के लड़कियों को आप इंट्रोड्यूस करवाए, तो कुछ नाम बताएं और ये भी बताएं कि कहाँ किस किस मुकाम तक वो पहुँच चुके हैं तमाम मॉडल्स एक्ट्रेस। काफ़ी सी मॉडल्स हैं, जैसे कि इकरा चौधरी आई थी मेरे पास फर्स्ट सीज़न में, पहले फैशन शो पे, तो जिसको मैंने एक हमें ब्रांड का एड, टीवीसी एड भी मिला था, वो हमने मिलके किया था दोनों ने। फिर हमने वो मेरे साथ ही काम करना अटैच हो गई, जिसको इकरा को चलना भी नहीं था आता, बोलना भी नहीं था आता, मैंने बड़ी मेहनत की इकरा पे। इकरा को मैंने समझाया इस तरह टीवीसी एड पे बोलना है, इस तरह चलना है, इस तरह मॉडलिंग करनी है, इस तरह ड्रेसिंग करनी है, उसको सारा समझाया, तो वो भी माशाल्लाह अच्छा काम कर रही है अपने काम। इसके साथ साथ और कौन कौन से नाम थे? इसके साथ बी है, उसके बाद अलमोल फातमा है, जिसके बाद काफ़ी सी मॉडल्स हैं फीमेल, जो मेल भी हैं। और मेल में कोई बड़ा नाम बताया जिसको आपने इंट्रोड्यूस करवाया हो? जिद्दी राणा है, जो कि अब फिल्म स्टार बन चुके हैं। तो पहले मेरे फैशन शो, आप उनकी हिस्ट्री चेक कर सकती हैं कि पहले फैशन शो पे वो मैंने उनको बुलाया था। यानी कि ऑन द रिकॉर्ड आप कह रहे हैं कि जिद्दी राणा को आपने प्रमोट किया और वो माशाल्लाह से इस लेवल तक पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, जिद्दी राणा को पहला फैशन शो पे चीफ गेस्ट ही वो मेरे थे, आप उनकी कर सकती हैं। अच्छा विकी, ऐसा तासुर पाया जाता है कि इस फील्ड में जब पैसा और शोहरत मिल जाती है तो मॉडल्स बदल जाते हैं, वो अपने टीचर की उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं करते, तो क्रेडिट नहीं देते, तो किस हद तक सच्चाई है इस बात? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, जब न्यू फेस मॉडल आती है तो सर काम जब हम उनको करवाते हैं, जारी बात है आगे आगे लेके जाते हैं, उनको दुनिया का पता चलता है, बाद में वो आंखें पे मत्थे पे आंखें रख लेती हैं, तो बात ठीक है। तो मैं मॉडल्स को कहूँगा कि मैं नहीं, तो जिसको भी उनको वर्क करवाता है कोई भी, तो उनकी इज्जत करें, बेशक आगे बढ़ जाती हैं उसकी फिर भी इज्जत करें। अच्छा, कोई ऐसा वाकया हमारे साथ शेयर करें कि जिस मॉडल को आपने चलना सिखाया हो, पहनना ओढ़ना सिखाया हो, और बाद में उसी ने ही आपको डिच करवा दिया, कोई ऐसी कहानी वाकया? वैसे तो काफ़ी मॉडल्स हैं, मगर जो मेन मॉडल है मैं उसका नाम लूँगा, इकरा चौधरी है, जिसको चलना भी नहीं था, मतलब कि जिसको ड्रेसिंग का भी नहीं था पता, तो वो अब टिकटॉकर्स भी है, तो उसको पहला उसको मैंने ऐड भी करवाया था। अच्छा, क्या कहती थी, मतलब बाद में किस तरह से उसने आंखें बदली? आंखें ऐसे बदली, जब जारी बात बंदा कोई स्टार बन जाते हैं, मैंने कोई कहना शूट है जो शो है, जो विकी मैं इस्लामाबाद हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, ये है वो है, तो फ्री होंगे तो आ जाऊँगी। अब वो कामयाब हैं, तो उनकी कामयाबी पे जब आप उनको देखते हैं तो कैसा लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फिर भी खुशी होती है उस पर, अपना काम करती है, मैं जब भी उसका काम देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि वो सीख के तो मेरे से ही गई है, वो जो मर्जी की है वो कोई बात नहीं। अच्छा,
ज़बरदस्त। अच्छा, इसके साथ साथ आप मुझे ये बताएं कि अब फैमिली का क्या रिएक्शन है जब आप कामयाब हो गए हैं, और कितनी सपोर्ट है, किसको क्रेडिट देंगे अपनी कामयाबी का? शोबिज़ में जब मैं आया था तो मेरी फैमिली मुझे लाइक नहीं थी करती, ना शोबिज़ को करती हैं, तो वो अभी पता भी मुझे कहती थी छोड़ दो छोड़ दो। जब एक नाम बन गया, जब उनको पता चल गया है, तो वो अब कुछ भी नहीं कहते, अब सपोर्ट करते हैं मुझे, सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जो आपका फैशन शो होता है, इसमें जो नए लड़के लड़कियां आना चाह रहे हैं, तो क्या क्राइटेरिया है, कुछ बताएं कि किस तरह से वो इस फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं? इस फील्ड में शोबिज़ का हमारा वैसे भी पेज है, अगर कोई मॉडल किसी के पास भी जाती है इवेंट के लिए जब मॉडलिंग के वाले से, तो वो अपने आप पे यकीन रख के जाए और इंशाल्लाह वो कामयाब होगी। और उसके अंदर एक अपनी लुक होनी चाहिए, उसके अंदर टैलेंट होना चाहिए, और वो इंशाल्लाह कामयाब होगी मॉडल्स। अच्छा, मुझे जाते जाते लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस फील्ड में रिजेक्शन भी होती है, और इस फील्ड में कोई आपको गाइड भी उस तरह से नहीं करता, तो इतनी जब रिजेक्शन हो जाए, बंदा दिल बर्दाश्त हो जाता है, कुछ लोग फील्ड छोड़ के भी चले जाते हैं, तो उस मौके पर क्या करना चाहिए लड़के लड़कियों को, कोई मोटिवेट करना चाहेंगे उनको? जी, जैसा कि आपको पता है, एक दो फैशन शो करते हैं वो खुद ऑर्गेनाइज लोग बन जाते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता, तो वो ज़ाहिर बात है फीस ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं, उनको कुछ बताते भी नहीं है कि ऐसे करना है। मैं जब फैशन शो करवाता हूँ तो दो दिन पहले हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, मॉडल्स को 2 दिन की ट्रेनिंग होती है कि ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे करना है। तो ज़ाहिर बात है जो मॉडल्स कहते हैं ऑर्गेनाइज़र, आपकी लुक नहीं, आप मॉडलिंग नहीं कर सकते, भाई हमारा काम है लुक करवाना, हमारा काम है ड्रेसिंग देना, उसकी लुक चेंज करना हमारा काम है। लाजमी नहीं कि हम ऑर्गेनाइज़र हैं और हम बैठ के तो वो आई उसकी लुक नहीं है जी आप जाओ दूसरी आ जाए, नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो इसमें हमारा काम है उसकी लुक, उसको कैंसिल नहीं करें, उसको ये नहीं कहना चाहिए कि जी आपकी लुक नहीं है आप जाएँ, आप मॉडलिंग नहीं कर सकती। उसको बताओ कि भाई ये चीज़ आपके में कमी है, आप ये पूरी करें और आप आएँ शो, उसको टैलेंट तो दें, उसको मौका दें, वो शायद आगे बढ़ जाए। मच विकी, आपने अपनी सक्सेसफुल स्टोरी हमारे साथ शेयर की। तो आज मैं उम्मीद करती हूँ कि विकी से मिलके आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए होंगे, जैसे कि आपने जाना कि विकी मॉडलिंग में आना चाहते थे लेकिन इनको रिजेक्ट कर दिया गया, और इन्होंने तब से ही दिल में ठान ली कि अब ये खुद फैशन शोज़ करवाएंगे, और लातादाद लड़के और लड़कियों को ये प्रमोट कर चुके हैं जिनमें बड़े बड़े नाम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, और ये कहते हैं कि अब वो बदल जाते हैं लेकिन फिर भी इनको खुशी होती है की कामयाबी देखिए। और जाते थे हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आपके अंदर भी कोई टैलेंट है और आप चाहते हैं कि हम आपकी कवरेज करें, तो आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर देना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अब तक के लिए अपनी मेज़बान खुशबू को दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।